महाराज की जय। खुश रहो। खुश तो है ये आप खुश तो हम खुश हुआ। जयंती जी प्रसाद जी, आज हम तुमसे एक राज की बात बताना चाहते हैं। बताइए। जो लड़की आई थी लकड़हारे की, उसके पिता का स्वर्गवास मेरे हाथों द्वारा हुआ। तो उधर देखे समझ भाई तो सतो रहे हैं। और उसकी माँ का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। जी। वो नाथ लड़की कहा जाती। बहुत अच्छा। मैंने उसकी मजबूरी देखकर मैंने उसके साथ अपनी शादी कर लिया। अरे महाराज बहुत अच्छा, क्यों अनाथ का सहारा तो दे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, महान है आप। जाओ देखो महारानी जी कहाँ है, उन्हें बुला के लाओ। मतलब हमारे चले तो घंटा बुला के। द्वारपाल मेरे बेटे अशोक को बुलाओ। क्यों नहीं महाराज, जैसी आज्ञा मालिक। अशोक भैया आइए भैया। खुश रहो मेरे लाल। जी मैं क्या देख रहा हूं कि सर पे ताज बांधकर मेरे पिताजी के साइड में। पिताजी क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? कुछ सवाल नहीं, जो जी में आए सो पूछ सकते हो मेरे लाल। पिताजी ये सिंहासन तो खाली था, ये सिंहासन तो मेरी माँ का था, लेकिन आज इस कुर्सी पर एक कौन है पिताजी जो सर पर ताज बांध कर बैठी है? बेटा सुख जी हाँ, ये वही लकड़हारे की बेटी है। इसके माता को स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। हाँ। और इसके पिता का स्वर्गवास हुआ तो मेरे हाथों द्वारा हुआ। बेटी ये नाथ लड़की कहां दर दर भटकती, किसके सहारे रहती? क्यों नहीं बेटी, मैंने इसकी मजबूरी देखकर ए जनजति प्रसाद जनता में जान दो। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बताओ, क्या देख रहे हो? उनकी भी सुनना चाहिए। नहीं सुनो, लेकिन क्या देख रहे हो? वो सामने चले जाओ। हाँ, सामने जाओ, भैया बुला रहे हैं। वो उधर जाओ, वो भैया बड़ी देर से दिखा रहे हैं। जाओ बेटा अशोक। मैंने इसकी मजबूरी देखकर और बेटा तुम्हारी भी मजबूरी देखकर कि मेरा बेटा अशोक जब इतना बड़ा था तब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरा लाल अभी माँ का प्यार नहीं पाया है। बेटी दादी मैंने इसके साथ शादी करके तुम्हारे लिए नई माँ लाया है। बेटे क्या है पिताजी, आप मेरी खुशियों के वास्ते आपने अपनी दूसरी शादी रचा ली। हाँ बेटा। वाह पिताजी, मुझे मालूम भी नहीं और आप दूसरी शादी रचा लिए। बेटी अगर तुम्हारे लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपना प्राण दे सकता हूँ बेटा। अरे क्यों नहीं मेरे लाल, ये तुम्हारी नई माँ है, इन्हें प्रणाम करो। अरे क्यों नहीं पिताजी। प्रिय यही है मेरी आंखों का तारा, मेरा राजकुमार अशोक। अभी ये माँ का प्यार नहीं पाया है प्रिय, इसे इतना प्यार दे दो कि अपनी सगी माँ को भूल जाए और तुम्हें अपनी सगी माँ माने। बेटा तो हाँ देखो मैं तुम्हारी सगी माँ तो हूँ नहीं। हाँ मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी बेटा। क्या कहा? हाँ मेरी सगी माँ से आप मुझे ज्यादा प्यार देंगी? हाँ। अरे वाह माँ, अशोक तुमको प्रणाम करता है माँ।
खुश रहो बेटा, लेकिन क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे क्यों नहीं, माँ के गले लगा जाता है बेटा। माँ। हाँ बेटा। आज मेरा दिल चाहता है कि आज मैं आपके हाथों से भोजन करूं। क्यों नहीं बेटा, चलो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। क्यों नहीं माँ। महाराज मैं राजकुमार अशोक को लेकर जा रही हूँ, अपने हाथों से आज राजकुमार अशोक को भोजन कराऊंगी। पिताजी बेटा हिलन डोलन देखा जी मालिक, आज आज इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं सोचता था कि हर औरत को दूसरे के बच्चे से जलन होती है, लेकिन नहीं, महारानी ने दिखा दिया कि कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। देखो कैसे प्यार से अपने सगे बेटे जैसे गले से लगा लिया। सब एक जैसे नहीं होते, सबका प्रेम अलग होता है। सही कह रहे हो। अब आपका प्रेम तो महान है, आप उसका सम्मान किए हैं, अपना बना लिए हैं। देखा है पहली बार महाराज के आंखों में प्यार, तब जाके आया मेरे बेचैनी दिल को। द्वारपाल अब मेरे बेटे अशोक को कोई कमी नहीं महसूस होगी। वो नहीं नहीं हम सबका खुशी भाई, और तुम भी खाना पाओगे हैं? सुबह नाश्ता पानी भोजन ठीक है। अच्छा द्वारपाल मैं चलता हूँ, शयन कक्ष में आराम करूंगा, आराम करने के बाद दरबार आऊंगा, तब तक के लिए यहाँ हम लोध क्या करें? लोध नहीं लोग, लोग लोग हम यानी हम लोध हिलन डोलन यहाँ का कारोबार देखो। आए आओ भैया। भैया महाराज ने कहा ड्यूटी हल्कोहर ला गया है, कोई गंभीर काम नहीं ना। हाँ। कार और बार देखेगा, अब बताओ कार देखो बार देखो? नहीं हम कार देखा, तू ही एक बार देखो। तो बार देख ले हम भैये वहां गोढ़ा नहीं हुआ बार बीने भम। अरे सरगम शुरू है सारे से, फैशन शुरू है भारे से। और ये आगे हमारे आदरणीय बड़े भैया यानी कि श्री लगन विश्वकर्मा जी, ये भैया की तरफ से 10 रुपए का स्पेशल नाम हम और हमारे पत्र बड़े भैया को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत फिर दिखाता है रात भर के खोल गए। अरे सरगम खत्म है धानी से, सारे गा मा पा धानी सा। सरगम खत्म है धानी से भैया, फैशन खत्म जवान। दरबारी क्या हो रहा है? महाराज जी आपके आने खुश हम लोग गीत गा। अच्छा तुम ज्यादा खुशी दिखाई दे रहे हो। जैसे हम खुश हैं, खुश हैं, खुश हो नहीं उकरे आगे खुश जैसे मुस्कुरा दियो तो होता है। हाँ उकरे आगे खुश हैं। अच्छा हम जैसे यानी कि बहुत खुशी है। हाँ ठीक ये आगे हमारे भैया यानी कि नाम भूल गए भैया, दोबारा फिर नाम हम गोहरा दिए भैया की तरफ से 10 रुपए का इस विषय नाम हम और हमारी पत्र भैया को लख लख शुक्रिया धन्यवाद। क्या बताऊं मैंने महाराज से शादी कर लिया, लेकिन महाराज बुढ़े हैं। मैंने दरबार में जब से राजकुमार अशोक को देखा मेरे दिल को चैन नहीं है। क्या बताऊं महाराज थे दरबार में महाराज थे, अन्यथा राजकुमार अशोक को बाहों में भर लेती सदा सदा के लिए।
लेकिन इधर देखो, कल में एक लकड़ीहारी, आज चंदनपुर की महारानी। देखो मेरी किस्मत, देखो मेरा नसीब। हाँ, और आगे हमारे भैया 56 छुरी 72 भाला आएगा लौंडा मोहरिया वाला। ये हमारे राम नरेश यादव जी की तरफ से 20 रुपए का स्पेशल नाम हम और हमारी पार्टनर पर भैया लाख लाख शुक्र धन्यवाद। और मेरी किस्मत को देखो क्या गजब का दिन दिखाया है। रानी मुझको बनाया मगर राजा साहब से, अरे दिल की ज्वाला नहीं बुझती। महाराज बुढ़े हैं, उनसे कुछ काम होता नहीं, मगर राजा साहब से, अरे दिल की ज्वाला नहीं बुझती। और जब से देखा कुंवर को बस वही दिल में समाया। कैसे हासिल करूं, कैसे उसे अपने पास बुलाऊं? ठीक है, अभी दरबारी को बुलाती हूं और राजकुमार अशोक को बुला के हमारे कमरे में लाएगा। दरबारी, क्या हुकुम महतारी? अरे कहां रहते हो बेटा यहरी वहरी? मेरा काम ऐसा है, कभी यहरी कभी वहरी। अच्छा, लेकिन रखते हैं होशियारी। हे दरबारी, बताओ महतारी, अब काओ कही भाई महारानी यहाँ कहाँ पायो? हाँ, तो महतारी समान हो। हाँ ठीक है दरबारी, मेरा एक काम कर दो। यहाँ तो ना बताओ क्या कौनो उस काम तो ना आए? क्या समझ रहे हो? नहीं महाराज, फांसी करा दी, हम पियला जाइए। सुनो, ऐसा ऐसा काम नहीं है। जैसे उस काम हो तो कौन आड़े बोलते चला जाए? नहीं, आड़े बोलते वाला काम नहीं है। अच्छा, हाँ सुनो, तुम चले जाओ राजकुमार अशोक के पास। ठीक, राजकुमार अशोक से कहना कि चलो तुम्हारी नई माँ ने तुम्हें याद किया है। ठीक, बुला के लाना है। हाँ, बुला के लाना है। हम डरा गए, हम जाने पहले हम आइए नहीं ना, हम अपने घबरा गए। हेलो, और ये गए हमारे अपने भैया राम तेज विश्वकर्मा जी, ग्राम पंडित के प्रयोग रहने वाले हैं। ये 20 रुपए का स्पेशल नाम यानी कि महारानी के काम पर खुश होकर के धन्यवाद शुक्रिया। और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खानी, और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खानी, और मेरी जलती जवानी मांगे खानी पानी, मेरी जलती जवानी मांगे।